पीछे से दोस्तों गोली मारी है भाई, उसमें से निकल के एलसीडी में गोली लग रही है भाई, देख लो। छह एक चप्पल पड़ी है और इसमें बाकी कुछ अन्य सामान की बात करें तो एक गिलास है। जी लग रहे हैं सर, में भी गोली लग रही है यहाँ। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं भाई जहाँ पे ये गड्डी खड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई है। तो कई भाई डिमांड कर रहे थे भाई साहब घटनास्थल पर जाकर वीडियो बनाओ कि क्या कुछ अपडेट है और कैसे क्या कुछ गोलियां लगी है, कितनी गोलियां लगी है और फिलहाल जो है गाड़ी की स्थिति क्या है। बिल्कुल डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं नंबर की, PB65AV9713 गाड़ी का नंबर है भाई, ठीक है। जो चारों टायर हैं देख सकते हैं आप क्या स्थिति है फिलहाल वर्तमान में इनकी, और जो गोली लगी आई फ्रंट में देखो 1 2 3 मतलब कैसा आकार हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 14 15 के करीब गोली फ्रंट में लग रही है। और यहाँ पे जो सिद्धू मूसेवाला से गाड़ी चला रहे थे वो यहाँ पे बैठे थे, ठीक है। तो अभी पीछे और दिखाते हैं, मतलब साइड में देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 गोली साइड में लग रही हैं। और एक बार कैमरामैन को कहूँगा थोड़ी आगे आगे दिखाए अंदर से गाड़ी की स्थिति क्या है, देखो बिल्कुल मतलब चकनाचूर कर रखी है, तहस नहस कर रखी है, बिल्कुल मिट्टी में मिला रखी है। देखो अंदर से क्या स्थिति है गाड़ी की, तो देख सकते हो आप, और आगे से देखो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भाई, मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है। और जो गन का यूज़ किया गया है ऑटोमेटेड गन थी भाई, जो छोटे हथियार होते हैं वो छोटे हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, बड़े हथियारों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल एक परिप्लान से आए थे। और पीछे की ओर दिखा देते हैं एक बार आपको, पीछे कितनी गोली लगी है, लमसम में 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 7 के करीब पीछे गोली लग रही है भाई इसमें। थोड़ा एक बार कैमरामैन को थोड़ा नज़दीक से दिखा दे भाई। तो बहुत भाइयों की डिमांड थी कि भाई पास में बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल विस्तृत रूप से, बिल्कुल कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी रूप से दिखाओ हर एक चीज़। इस साइड देखो तीनों जो टायर हम की हवा निकल रही है, इसकी हवा नहीं निकल रही है। और इस साइड देखो भाई 1 2 3 और इस साइड 3 गोली इस साइड लग रही हैं। और अगली साइड देखो आप, मतलब कैसे कांच टूट रहे हैं, मतलब बहुत बुरी तरह बहुत बेरहमी से मारा गया है। और मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते मतलब ऐसी घटना इस तरह से, मतलब बहुत बुरी तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, तो आप देख सकते हो। और ये अभी जो गाड़ी है मानसा थाने के अंदर विद्यमान है गाड़ी, तो अभी इसकी जांच पड़ताल चल रही है, ठीक है। अभी फिलहाल ये मामला बड़ा बहुत गंभीर मामला है, और बात करें तो मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया आज के टाइम में, किसी ने सोची नहीं थी। हमने भी जब मतलब घटना का पता चला तो यकीन नहीं हुआ एक बार मतलब, लेकिन आप देख सकते हो एक बार कहूँगा कि वाइड एंगल से दिखाएं एक बार। तो यहाँ पे जो है सिद्धू मूसेवाला फ्रंट सीट पे गाड़ी चला रहे थे, ठीक है। जैसे मतलब सामने से जैसे चार बंदों का एक मतलब इमेजिन करया था कि भी स्त्रियाँ मतलब उन्होंने इमेजिन करया जैसे हमने न्यूज़ में देखा, तो बहुत मतलब निंदनीय घटना है और विश्वास नहीं होता मतलब इस तरह की घटना है ना, मतलब दिल दहला देती है। और हर कोई एक कलाकार है, सबके मन में ये आएगा कि हमारी भी तो एक प्राइवेसी है, हमारी भी तो एक सिक्योरिटी है। तो अब जो लोग बिल्कुल नॉर्मली सबसे मिलते थे कि सभी कलाकार सचेत हो जाएंगे, वो जो मिलना है जो एक आम तरह से एक ज़िंदगी है वो मतलब बिल्कुल मतलब दूर हो जाएगी। और मतलब बहुत बड़ा मामला हो गया। और एक बार ये दिखा देता हूँ मैं थोड़ा नज़दीक आना, एक चीज़ और देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो ये भी बिल्कुल तो टूट रहा है यहाँ से, और यहाँ पे भी आगे बिल्कुल टूट रहा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे थोड़े खून के निशान हैं नीचे और शीशों के निशान हैं, पीछे एक चप्पल पड़ी है। और इसमें बाकी कुछ अन्य सामान की बात करें तो एक गिलास है, और बात करते हैं इसमें एक ये लोहे की राड है भाई, ये टूट रहा है मतलब ये गाड़ी का ही है। और बाकी ये थोड़ा लाइट वाइट का है, और बाकी यहाँ पे जो है शीशा टूट रहा है, ठीक है। तो मतलब गाड़ी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, तो आप देख सकते हो भाई। और पिछली साइड का जो है वो शीशा भी टूट चुका है, दूसरी साइड का शीशा टूट चुका है।
तो दोस्तों जो इस तरह की घटना होती है भाई, इन घटनाओं की वजह से है ना, हर एक जो कलाकार है, कल पहले तो यकीन नहीं हुआ, और दूसरी बात है जब घटना सभी कलाकारों ने देखी, तो बड़े बड़े जो बॉलीवुड के कलाकार हैं, जो अपने हरियाणवी कलाकार हैं, पंजाबी कलाकार हैं, सब ने शोक व्यक्त किया है, और बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने भी मतलब एक सहानुभूति दी है, आत्मचिंतन किया है, आत्मविश्लेषण किया है। और जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तो हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम इस लाइन में कि मतलब एक लेवल पर कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कामयाबी जो होती है वो लोगों को पचती नहीं, और वही कामयाबी एक दिन मतलब कह रहे हैं वो कामयाबी जब एज ए नेगेटिविटी में बदल जाती है और पता नहीं लगता कि मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो हम अभी जैसे नरवाना से चले थे, लगभग ये पड़ता है नरवाना से 110 किलोमीटर के आसपास, तो हम अभी टाइम निकाल के आए कि वहाँ भाइयों को दिखाते हैं जाके कि वहाँ पे क्या स्थिति है। फिलहाल ये मानसा थाने के अंदर गाड़ी विद्यमान है, उपस्थित है, तो अभी फ़िलहाल इसका यही वो है। और बाकी इसमें यदि कुछ अलग से कुछ और साइड में देखते हैं, कुछ अलग से कुछ चीज़ ऐसी मिलती है कि अभी फ़िलहाल तो ऊपर का तो यही था, अभी और नीचे कुछ साइड में बाकी नीचे से ठीक है, ऊपर का तो बिल्कुल गाड़ी मतलब तहस नहस हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है ऊपर से। बाकी इसमें कुछ देखते हैं अलग से कुछ मिलता है। और एक बार सर आए हैं यहाँ पे, तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे आप जैसे अभी जो फिलहाल के लिए क्या वर्तमान स्थिति क्या है, अभी क्या अपडेट आई है सर? वर्तमान तो सर लग रहे हैं जी, दोषी लग रहे हैं। अच्छा जी, बनी हुई है। ठीक है सर, अभी कुछ क्या कुछ जानकारियाँ हासिल हुई है फिलहाल? फिलहाल कुछ नहीं सर, अभी तक टीमा हो गई हैं, यहाँ सर्च कर रहे हैं। अच्छा सर, चल रही है। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी जो जैसे दो साथी और थे उनका अभी उनकी क्या वर्तमान स्थिति है, हालात ठीक है जो अभी ठीक है? अच्छा अच्छा। तो सर तो ये भी देखो भाई, यहाँ पे लाइट है जो फ्रंट की, ये भी थोड़ी सी टूट रही है यहाँ से, तो हमने आपको बिल्कुल हाँ क्या है ये निकल रही है, ये थोड़ी सी हाँ यहाँ से निकल रही है, बाकी थोड़े बहुत और निशान हैं, हाँ यहाँ से टूट फूट है थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा वो है, थोड़ा सा यहाँ से डैमेज है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब देखते ही दिल दहल जाता है, हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते इस चीज़ की कि मतलब ऐसे भी घटना हो जाती है, और मतलब यकीन ही नहीं होता, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसी ऐसी घटना और ऐसे ऐसे मतलब होगी। बिल्कुल एक चीज़ और है यहाँ पे देखो भाई, ये और रह गई थी, देखो यहाँ पे भी अभी बिल्कुल सेंटर में भी गोली लग रही है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से, लगभग यदि माने यदि टोटल कैलकुलेशन करें लगभग मतलब 50 से 60 गोलियाँ चली हैं जहाँ तक अनुमान लगाएं। और फ्रंट में यहाँ पे यहाँ पे भी खून के छींटे हैं दोस्तों फ्रंट में। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही जानकारी है।